नमस्कार, मैं प्रिया आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ हमारे 5 डेस्टिनेशन फेस टू फेस पे। आज हमारे साथ मौजूद है सिलीगुड़ी से एक बहुत ही जाने माने कंप्यूटर रिपेयर सर्विस और सिक्योरिटी सप्लायर सर्विस, जी हाँ उनका दो सर्विसेज है, आरटी सॉल्यूशन के ओनर मिस्टर सम्राट जी। तो चलिए उनसे मुलाकात करते हैं और उनके दोनों ही सर्विस के बारे में कुछ ज़रा डिटेलिंग में जानते हैं। जी नमस्कार सम्राट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे 5 डेस्टिनेशन फेस टू फेस में। थैंक यू जी। आपको कैसे महसूस हो रहा है सम्राट जी कि आप एस टॉप 5 कंप्यूटर रिपेयर सर्विस और सिक्योरिटी सिस्टम सप्लायर में सिलेक्ट हुए हैं सिलीगुड़ी में? बहुत अच्छा लग रहा है और रिस्पांस भी अच्छा ही मिल रहा है। ठीक है, और जैसे हम लोग ने पहले तो फेसबुक वगैरह में ऐड वगैरह करते थे, ठीक है, वहाँ से रिस्पांस आता था, तो वहाँ से आप लोग के नंबर मिला है, वहाँ से कॉन्टेक्ट करने के बाद, ये सर्विसेज लेने के बाद मुझे अच्छा खासा रिजल्ट मिलना शुरू हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सम्राट जी। तो चलिए सम्राट जी, आपके सर्विस दोनों ही सर्विस के बारे में कुछ जानते हैं। पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप कितने सालों से सर्विस में हैं, मतलब दोनों ही सर्विस कब से आप कर रहे हैं? 2014 से मेरा स्टार्टिंग है, 2014 से मेरा कंपनी एक्चुअली चल रहा है। ठीक है, पहले हम लोग का दूसरा जगह पे था, अभी रिसेंटली हम लोग ने ये नया ऑफिस लिया है। ओके। तो आप ये दोनों ही सर्विस, कंप्यूटर का और सिक्योरिटी सिस्टम सप्लायर, दोनों ही सर्विस एक ही साथ शुरू किए थे या फिर पहले कुछ किए फिर उसके बाद? नहीं, पहले एक्चुअली पहले मैं खुद से ही करता था, कंप्यूटर सर्विस, प्रिंटर सर्विस, ये सब मैं खुद से ही करता था। फिर धीरे धीरे ग्रोथ होने से अभी टीम रखा हूँ, नया ऑफिस हुआ है, सेटअप प्रोडक्ट्स भी सब कुछ कर लिया हूँ। ओके, तो धीरे धीरे हुआ है, तो टाइम लगा है, कम से कम 10 साल प्लस होगा। जी सम्राट जी, तो फिर जैसे कि आप सिलीगुड़ी से हैं, लेकिन आप अपना एग्जैक्ट थोड़ा सा लोकेशन बताएंगे कि सिलीगुड़ी में आपका कहाँ पर आपका शॉप है, कहाँ पर आके लोग आपको विजिट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ये एक्चुअली है हम लोग का, इसको बोलते हैं नजरुल सरनी, ये आश्रम पर साइड में पड़ता है, नियर पानी टंकी मोड़। अच्छा। पानी टंकी मोड़ के सामने आपका होटल डॉलिन होटल है, उसके ठीक बिसाइड में ही है मेरा शॉप, वहां से मान के चलिए 200 मीटर अराउंड ऐसा ही डिस्टेंस। अच्छा अच्छा, और आपका टाइमिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग का टाइमिंग कुछ? सुबह 10:30 बजे से रात को 7:30 बजे। ओके। जी सम्राट जी, तो फिर जैसे कि आपका दोनों ही सर्विस है, अगर आपको कोई मतलब आके पर्सनली विजिट ना कर पाए और कोई दूर रहते हैं और आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं ऑनलाइन के थ्रू या फिर कॉल करके या व्हाट्सएप में, तो उसका कोई जरिया है? हाँ देखिए, ऑनलाइन के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं कस्टमर, ठीक है, और सर्विस हम लोग ऑल ओवर इंडिया में भी देने का कोशिश करते हैं। ठीक है, हम लोग का बहुत सारा कंपनी के साथ टाई अप है, उन लोग का टीम के साथ हम लोग काम करवाते हैं। रिसेंटली दुर्गापुर हो गया, बैंगलोर हो गया, कोलकाता में भी काम होता है हम लोग का, फिर बिहार में होता है, तो सभी जगह पे, ऊपर में सिक्किम में होता है, सिक्किम में हम लोग का रेगुलर बेसिस में काम होता है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग ने एक टीम क्रिएट किया है, जो लोग आपका ये डीलिंग्स जो होता है हम लोग का, जितना भी प्रोडक्ट वगैरह हम लोग का यहाँ से डिस्पैच होता है, सर्विस हम लोग जहाँ से रिक्वायरमेंट आता है वहाँ से हम लोग सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, तो कस्टमर को ये सुविधा मिलेगा वहाँ से। अच्छा अच्छा, तो चलिए सम्राट जी, हम लोग कितने आपके सर्विस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जरा ऑडियंस को भी बताइए कि आप क्या क्या सर्विस देते हैं और आपका सर्विस में कैसे कैसे वैरायटीज होते हैं, सब कुछ थोड़ा डिटेलिंग में बताइए। आईटी रिलेटेड जो भी काम होता है सभी का देते हैं, जैसे कंप्यूटर डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप रिपेयर सर्विस हो गया, सीसीटीवी रिपेयर सर्विस हो गया, सीसीटीवी इंस्टॉलेशन हो गया, प्रिंटर फोटोकॉपियर मशीन प्रिंटर रिपेयर एंड सर्विस हो गया, सेल भी करते हैं हम लोग, प्लस आपका नेटवर्किंग लैन नेटवर्किंग ये सब भी करते हैं, प्लस हम लोग के पास कुछ यूनिक सिक्योरिटी डिवाइसेस है, डोर लॉक सिक्योरिटी सिस्टम है, शटर लॉक सिक्योरिटी सिस्टम है, तो ये सब प्रोडक्ट हम लोग के पास है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब बेसिकली आपका सिक्योरिटी सिस्टम जो भी है, कैमरा, सीसीटीवी, ये सब कुछ लगभग हम लोग सभी सिक्योरिटी सिस्टम में लगभग हम लोग सभी कुछ कवर अप करते हैं। अच्छा। और प्लस कंप्यूटर रिलेटेड जो भी आइटम है, एक्सेस कंप्यूटर एक्सेसरीज हो गया, ये सब में भी डील करते हैं, बाकी लैपटॉप एक्सेसरीज हो गया, प्रिंटर एक्सेसरीज हो गया, ये सब में भी हम लोग डील करते हैं। ओके ओके ओके,
तो सम्राट जी, जैसे कि आप सर्विस देते हो, हम सबको पता है कि ग्राहकों को ऑफर्स या फिर सेल सुनने में वो लोग को थोड़ा सा ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट आ जाते हैं कि हाँ जी ऑफर चल रहा है तो शायद जाके एक बार देख लेना चाहिए या फिर कुछ खरीदारी कर लेना चाहिए। तो आपका कैसे ऐसे ओकेशनली कुछ ऑफर्स वगैरह रहते हैं? मंथली हम लोग का एक ऑफर कुछ ना कुछ रहता ही है, जैसे डेस्कटॉप में मिल जाएगा कुछ ऑफर, सीसीटीवी में ऑफर मिल जाएगा, प्लस प्रिंटर में कुछ ऑफर मिलता है, तो ऐसे ऑफर कुछ ना कुछ हर मंथ में कुछ ना कुछ रहता ही। वो प्रोडक्ट में हो या सर्विस में हो, दोनों में कुछ ना कुछ ऑफर रहते हैं। कभी कभार हम लोग एक 1 ईयर सर्विस एक्स्ट्रा दे देते हैं कस्टमर को। अच्छा, ठीक है। तो ऐसे सर्विस में ऑफर रहता है, प्लस प्रोडक्ट में कुछ डिस्काउंट वगैरह रहता है, ठीक है, कुछ चीजें में गिफ्ट मिलता है। ओके ओके ओके, ठीक है। तो जी सम्राट जी, जैसे कि आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि आप मतलब सर्विस में आप सेलिंग भी करते हैं, आप बेचते भी है, जैसे कि प्रिंटर मशीन हो गया, कुछ भी मशीन हो गए, वो सब आप बेचते भी है। तो उसमें लोग जब खरीदारी करेंगे उसमें क्या वारंटी रहता है, कुछ ऐसे कुछ महीनों के, कुछ सालों के, ऐसा कुछ रहता है? वारंटी देखिए, हम लोग प्रॉपर सील पैक विद जीएसटी बिल देते हैं, ठीक है। अच्छा। तो इसमें फायदा यही होगा कस्टमर को कि वारंटी लेके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। Okay. सबसे पहले ये, तो कुछ कुछ आइटम में 2 साल का वारंटी रहता है, कुछ आइटम में प्रिंटर वगैरह में 1 साल रहता है, फिर कंप्यूटर डेस्कटॉप में 2 साल 1 साल, ऐसे करके हम लोग का वारंटी रहता है और सभी को मैन्युफैक्चरिंग वारंटी एंड सर्विस सेंटर वारंटी मिलेगा प्रॉपर। ओके ओके जी सम्राट जी, तो जैसे कि आपका दो दो सर्विस एक साथ ही है, आप दोनों ही संभालते हैं, लेकिन शायद आपके आसपास या बहुत जगहों में ऐसे सर्विसेज बहुत लोगों के हैं, ठीक है, तो फिर आपका सर्विस कैसे दूसरों के सर्विस से यूनिक है या फिर उसमें क्या ऐसे खासियत है? देखिए, सबसे पहला तो हम लोग का जो टीम है वो एकदम प्रोफेशनल है, ठीक है। सबसे प्लस पॉइंट ये है कि प्रोफेशनल टीम से काम करने का तरीका अलग होता है, नॉर्मल कोई बंदे से काम करवाने का तरीका अलग होता है। बिल्कुल। प्लस रेट में आपको अच्छा खासा डिफरेंस नजर आ जाएगा दूसरा वेंडर से और मेरा रेट में, ठीक है। प्लस वन ईयर तक जब आपका कोई भी आप सामान लीजिए उसका क्या होता है, एक सर्विस वारंटी होता है जो हम लोग देते हैं। सर्विस वारंटी मतलब आपका तो प्रोडक्ट वारंटी अलग हो गया, सर्विस वारंटी हुआ कि मान के चलिए आपका प्रिंटर हो या कुछ भी हो उसमें कुछ भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो 1 ईयर का जो सपोर्ट रहेगा वो हम लोग कर देंगे। तो हम लोग उसमें ओवर अप ये करते हैं कि कोई कोई कस्टमर के घर के घर से हम लोग पिकअप कर लेते हैं सामान। अभी मान के चलिए कोई सामान खराब हो गया तो उसको सर्विस सेंटर देना पड़ेगा, तो हम लोग हमारा टेक्नीशियन या स्टाफ से आपका मान के चलिए वो सामान पिकअप करके कि कस्टमर को खुद से जाना नहीं पड़े सर्विस सेंटर, तो वो चीज हम लोग प्रोवाइड करते हैं कि उनका जो है प्रोडक्ट वो हम लोग सर्विस सेंटर में लेके गए रिपेयर करके जो भी है रिप्लेस करके फिर से कस्टमर के पॉइंट पे उनको दे दें, तो ये सब डिफरेंस मिलेगा। ये कोई भी मतलब दूसरा वेंडर शायद आपको बोलेगा कि मेरे दुकान पे लेके आइए फिर मैं देखता हूँ, तो ये सब चीज हम लोग के यहाँ से होता है। अच्छा, हाँ जी। तो सम्राट जी, जैसे कि आप ये प्रिंटर मशीन्स हो गए, बहुत कुछ जेरॉक्स मशीन्स हो गए, बहुत कुछ हो गए, वो सब आप बोलते हैं कि आप सेल भी करते हैं, तो फिर जब आप सेल करते हैं तो क्या आप उसका डिलीवरी भी देते हैं? आपके सर्विस डिलीवरी का फैसिलिटी भी रहता है? जी जी जी, बिल्कुल डिलीवरी का फैसिलिटी रहता है। सिलीगुड़ी में हम लोग नॉर्मली डिलीवरी फ्री रखते हैं, बाहर में सिलीगुड़ी के बाहर जो रहेगा वो ट्रांसपोर्टिंग चार्ज जो लगता है वो हम लोग कस्टमर से एक्स्ट्रा लेते हैं, बाकी डिलीवरी तो हम लोग सभी जगह पे पॉसिबली करते हैं। ओके ओके, सिलीगुड़ी के आसपास, सिलीगुड़ी में आपका जो भी आपका सर्विस लेता है वो लोग आपको डिलीवरी फ्री में मिलेंगे, और जो लोग का थोड़ा सा डिस्टेंस है वो लोग को थोड़ा सा सर्विस चार्ज देना पड़ता है। अच्छा, ठीक है। हाँ, नॉर्मली बस वगैरह में अगर जाता है तो नॉर्मली एक कार्टून का मान के चलिए 100 रुपए ऐसा कुछ जाता है, ठीक है। ओके, तो ओके, वैसे ओके। ही जो डिस्टेंस होगा उस हिसाब से एक कॉस्टिंग होता है। ओके 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 जी, तो फिर आप जैसे कह रहे थे कि आपका बस सिलीगुड़ी में नहीं है सर्विस, आप बहुत सारे और भी जगहों में है जो आप सर्विस देते हैं, सिक्किम हो गया, बैंगलोर हो गया, यहाँ पर आप कोलकाता में भी सर्विस देते हैं, तो अगर सोचिए कि कोई अगर सिक्किम से लेना चाहते हैं आपका सर्विस या फिर कोई कोलकाता से लेना चाह रहे हैं आपका सर्विस, तो वो लोग का पेमेंट मोड क्या होगा, मतलब आप ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, वो लोग का डिलीवरी का क्या कैसे सिस्टम है वहाँ पर? देखिए, अगर किसी को डेस्कटॉप प्रिंटर ये सब आइटम में जाना है तो उसके लिए वो लोग हम लोग को पहले पेमेंट कर देंगे, हम लोग यहाँ से सामान पैकिंग करके अच्छा तरीके से पैकिंग करके
बिल के साथ, प्रॉपर बिल के साथ हम लोग यहाँ से ट्रांसपोर्ट, जो भी ट्रांसपोर्ट मिलेगा, शेयर टैक्सी हो, जो भी हो, बस हो, तो वहाँ पे हम लोग डिलीवरी कर देंगे। तो कस्टमर आपके मान के चलिए 100-200 रुपए ऐसा तकरीबन कुछ लगता है, तो वो चार्जेस में सिक्किम में डिलीवरी ले सकते। और प्लस कुछ चीज है कि सीसीटीवी कैमरा बहुत जन ये पूछते हैं कि सीसीटीवी कैमरा का इंस्टॉलेशन सिक्किम वगैरह में होगा क्या? हाँ जरूर होगा, हम लोग काम भी करते हैं सिक्किम में, सिक्किम का गैंगटॉक वगैरह में भी हम लोग का रेगुलर बेसिस में काम होता है, दार्जिलिंग में भी काम होता है, तो सर्विस हम लोग वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके। जी सम्राट जी, तो इस वक्त जो हमें इस वीडियो इंटरव्यू के माध्यम से देख रहे हैं, अगर आपको उनके लिए छोटा सा मैसेज या फिर टिप देना हो कि कैसे कैसे सर्विस लिया जाए, किन किन जगहों पे थोड़ा सावधानी रखे, तो वो लोग को अगर आपको छोटा सा टिप देना हो तो वो क्या होगा? देखिए नॉर्मली आईटी रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है वो सबसे पहले तो मैं कस्टमर को यही बोलूंगा कि सबसे पहले आपका जो प्रोडक्ट है, आप जो लेने चाहते हैं, वो सबसे पहले हम लोग के पास भेजिए, हम लोग देखेंगे कि हम लोग के पास अवेलेबल है या नहीं। अगर नहीं अवेलेबल है तो हम लोग एक या दो दिन का टाइम आपसे मांग लेंगे, तो उस हिसाब से हम लोग अरेंजमेंट करके आपको सामान दे सकते हैं। अच्छा, दूसरा चीज, कभी भी आईटी रिलेटेड कोई सामान खरीदना हो तो प्रॉपर जीएसटी बिल दे के ही आप सामान लीजिए, तो इसमें आपका वारंटी में कोई बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगा। और दूसरा है सर्विसेज, प्रॉपर कोई शॉप या कोई वेंडर से ही लीजिए। नॉर्मली कोई ऐसे बहुत सारे इंस्टॉलर मिल जाएंगे कस्टमर को कि मैं लगा देता हूँ, तो उनसे मत लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है, एक प्रॉपर जगह से आप लेंगे तो बाद में प्रॉब्लम होगा, तो आप मेरे ऑफिस में आ सकते हैं, प्रोडक्ट को लेके आ सकते हैं, उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, या जो भी वारंटी में इशू आएगा वो सब के लिए आप मेरे को आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि मेरे वारंटी क्यों नहीं मिल रहा है ये सब चीज। पर कोई इंस्टॉलर ऐसे ही नॉर्मली, ये लोग क्या होगा, ये लोग आपका सर्विस तो वहाँ पे इंस्टॉलेशन करके तो चले जाएगा, उसके बाद आपको जो वारंटी में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो वहाँ पे इशू आ सकता है। सभी ऐसा शायद नहीं करेंगे, पर नॉर्मली मान के चलिए 80% अगर सही रहा तो 20% वैसा काम कर सकते। ओके। ठीक है, तो आप लोग से भी मैं कहना चाहूंगी कि जो सम्राजी का है, उन लोग वो हर एक पॉइंट को आप लोग थोड़ा सा जानकारी करके, सब कुछ बैकग्राउंड चेक करके ही सर्विस लीजिए। ऐसे किसी को रैंडमली जाके किसी से सर्विस ना लीजिए, फिर आपको ही उसका खामियाजा भी करना होगा। जी सम्राजी, आप हमारे यहाँ पर मेरे साथ ये इंटरव्यू कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बातचीत करके, और इतनी कुछ इतना कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे भी मिला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको हमारे 5 डेस्टिन सिटी के लिए एक छोटा सा फीडबैक देना हो तो वो क्या होगा? 5 बेस्ट सिटी एक्चुअली मेरे हिसाब से तो जितना भी हम लोग का ये कंप्यूटर लाइन में है वो लोग वेंडर ले सकते हैं, उन लोग के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इन लोग का सर्विस भी अच्छा है, प्लस रेस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिलेगा, प्लस बहुत जन अभी यूज करते हैं जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, ये सब भी यूज करते हैं, वो सब भी अच्छा है, ये नहीं बोलूंगा कि वो खराब है, ये अच्छा है। पर हाँ, उससे ये थोड़ा डिफरेंट मॉड्यूल पे काम करता है, तो इस हिसाब से इसमें आपको रेस्पॉन्स रेट वहां से ज्यादा मिलेगा, ये मेरा मानना है। अभी बाकी तो सबके ऊपर डिपेंड करता है कौन किस हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए। सम्राजी के सभी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उनके वेबसाइट की डिटेल्स, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल ही जाएगा, बाकी 5 डेस्टिन सिटी के वेबसाइट में भी आपको मिल जाएगा। और अगर आपको कोई भी आगे जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर ही सकते हैं। चलिए, आप सबसे फिर से मुलाकात होगा। सम्राजी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।